आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के तत्वाधान में जिले के अनेक पंचायतों में खाने का सामान का वितरण किया गया। आज झारखंड के गिरिडीह जिले में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के तत्वाधान में जिले के जशपुर पंचायत के अंतर्गत पिपरा टोला, पटला टोला, बिगरोडा आदिवासी बस्ती में घूम घूम कर गरीबों को खाने सामान वितरण किया गया, जिसमें सत्तू चूड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए गरीबों के बीच बांटा गया। सभी लाभुक खाने का सामान पाकर काफी खुश थे। इस कठिन घड़ी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बंटी प्रसाद साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष शुभम शर्मा, जिला उपाध्यक्ष अमित अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष सुमित अग्रवाल, सहयोगी सदस्य राजीव कुमार, सुधीर गोयल, संघ सोनी गोयल आदि लोग मौजूद रहे। आज मानवाधिकार के द्वारा यहाँ पे बहुत ही अच्छा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अनाज का वितरण किया जा रहा है जसपुर पंचायत में। और बहुत ही अच्छा लगा कि ये ऐसे जगह पे वितरण किया जा रहा है जहाँ पर खास करके लोगों को जरूरत है। अभी रूरल एरिया लगभग शहर से 15 किलोमीटर दूर है और काफी जरूरतमंद लोग यहाँ पर हैं। आज हम लोग सभी गिरिडीह वासी ब्यूरो की तरफ से हम लोग आज जसपुर गांव में अपनी सेवा देने आए हैं। जो हमारी सेवा हमसे बन पा रही है, हम रोजाना कुछ न कुछ इन गरीबों के लिए जो कुछ भी हमसे बन पा रहा है, हम अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। आज हमारा ये 7वां दिन प्रोग्राम है, आगे भी हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा। लॉकडाउन के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो की तरफ से सत्तू चूड़ा का वितरण किया जा रहा था। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जसपुर ग्राम में आए हुए हैं, जिसमें पिपरा टोला जसपुर पंचायत के मुख्यालय मिडिल स्कूल के पास आज सत्तू चूड़ा का वितरण किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से आज का सहयोग रामजी यादव, शंकर यादव के द्वारा किया गया था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।